नमस्कार, न्यूज टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में विधायक, मंत्री और खुद मुख्यमंत्री ने भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। पहले मुख्यमंत्री ने मुस्लिमों के ज्यादा बच्चे पैदा करने को लेकर खिंचाई की थी, तो अब हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने निशाना साधा है। अवैध मांस की दुकान बंद करवाने की बात करने वाले बाल मुकुंद आचार्य ने अब मुस्लिमों को 4 बीवी रखने और 36 बच्चे पैदा करने वाला बता दिया है। मुस्लिम विधायकों पर भी 4-4 पत्नियां रखने का आरोप लगा दिया है। चलिए पहले सुनते हैं कि विधायक ने क्या कहा। कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले। इस सदन के अंदर भी, विधानसभा सदन के अंदर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3, 4-4 पत्नियां रखे हुए हैं। और एक वर्ग के लिए कानून है कि भाई वो वर्ग तो कानून नहीं भी है तो भी उसका पालन करता है। बहुसंख्यक समाज पालन करता है कि मैं, मेरी पत्नी, एक बच्चा, ज्यादा ज्यादा 2 बच्चा। और एक वर्ग विशेष इस काम में लगा है, इसी एक अभियान में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चा हो तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा, देश की समृद्धि में, विकास में सबका अधिकार है। और बराबर रूप से आदरणीय मोदी जी के आने के बाद भी हो रहा है, बिना किसी भेदभाव के, श्यामलाल की, रामलाल की, रहीम की, राम, कोई भेदभाव नहीं है। बराबर सबके लिए समान रूप से योजनाओं का, जन कल्याणकारी योजनाओं का, गरीब कल्याण का लाभ जब सबको मिल रहा है तो फिर आप इस मामले में भी तो ध्यान दें और मदद करें कि इस देश में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और सबको समान रूप से ये तय कर देना चाहिए कानून के आधार पर कि भाई इसे कितनी संख्या का बच्चे होंगे। बाल मुकुंद आचार्य जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ाने से बैलेंस बिगड़ रहा है। साथ ही कहा कि एक वर्ग तो जनसंख्या का ध्यान रखता है लेकिन दूसरा वर्ग ये बात सोचता है कि 4 बेगम हो और 36 बच्चे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग करना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि इस मुद्दे पर सभी विधायकों को बोलना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि हमारी विधानसभा में ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 बीवियां रखी हुई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा में दिए बाल मुकुंद आचार्य के इस बयान पर कांग्रेसी नेता कैसे पलटवार करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज टाइम्स टुडे। धन्यवाद। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।